आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज कौन सी तारीख है मम्मा? आज 2-3 अप्रैल हो गई। 3 अप्रैल है। और रमज़ान हमारे बहुत अच्छे जा रहे हैं, आपके रमज़ान कैसे जा रहे हैं? तो आज हम करने लगे हैं रमज़ान रोज़े की तैयारी, इफ्तारी की तैयारी। तो मम्मा से पूछते हैं, मम्मा आज क्या बनाना है? आज आप बताओ, आपका क्या दिल कर रहा है बनाने का? वैसे तो हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई हुई है लेकिन लिस्ट पे आजकल अमल नहीं किया जा रहा है 2-4 दिन से। तो आज हम लिस्ट के हिसाब से चलेंगे। हाँ, क्योंकि रोज़ होता है, बच्चे कभी कहते हैं ये बनना चाहिए, ये होना चाहिए। हाँ। तो फिर वो इस तरह बन जाता है। आज हम सोच रहे हैं कि हम लिस्ट के मुताबिक ही बनाएं। तो लिस्ट में आज क्या है? आज है दही फुल्की। दही फुल्की है और दही भल्ले। हाँ, दही भल्ले, आलू भल्ले क्या कहते हैं उसको? नहीं है, एक तो दही फुल्की है, दही फुल्की। हाँ। और एक जो तुम लोगों के इंडियन में कहते हैं, हाँ, आलू भल्ले। भल्ले, हाँ हाँ, भल्ले कहते हैं इंडिया में। यहाँ क्या कहते हैं? हम लोग तो उसे बस वो बेसन वाली कहते हैं, टिक्की। टिक्की, हाँ, आलू की टिक्की होती है, उसके ऊपर बेसन की लगाते हैं, बेसन लगा के डिप करके फिर फ्राई करते हैं। और साथ में बनेगी चिप्स। चिप्स और साथ बनेगा दूध सोडा। दूध सोडा कल भी पिया था। दूध सोडा, बस वो कहते हैं कि दूध सोडा के बगैर रोज़ा ही नहीं खुलता। अच्छा, चले फिर हम जा रहे हैं किचन में, तैयारी करते हैं और देखते रहिए आगे क्या होता है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताती हूँ। जो मम्मा है ना मेरी, उनका पार्लर भी है। यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, ये घर पे ही छोटा सा पार्लर बना रखा है हमने। उन्होंने कोर्स कराया, उनका शौक है, तो अब्बू ने उनको बनवा के दिया है माशाल्लाह। आज खाने में पता नहीं क्या बनना है, ये हमने लिस्ट बना के रखी हुई है, इसके जरिए इसके ही तरह से हम चलते हैं। मम्मा गई है नहाने, तब तक तो मैं ये बैटर इसका तैयार करती हूँ फुल्कियों का। तो उसके बाद देखते हैं क्या करना है, मम्मा से पूछ के। ये हो गया दही फुल्की के लिए, मैं बस ये दही की तैयारी कर लेती हूँ जब तक। और मैंने यहाँ पर बेसन को भी करके रखा हुआ है, साथ ही मेरे आलू। ओ ओ ओ, आलू जल गए। ये आलू हो गए हैं अम्मा, आलू हो गए हैं ना, ये पानी सारा जल गया इसका। हाँ, अभी मुझे, मैं कहूँ ये पटपट आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो शुक्र है कि ज़्यादा नहीं जले। ये अभी आप लेके आइए बोलते। अच्छा ठीक है, देखें दही इतना। हाँ, मैंने हाँ, बाकी वो रख दिया। हाँ बस ठीक है, ठीक हो गए। ये अब इसमें जाएगा थोड़ा सा जीरा पाउडर, और ये आ गया नमक थोड़ा सा, बस स्वाद के अनुसार थोड़ा सा, और बाकी बाद में पड़ जाएगा अगर कम होगा तो। और ये आ गई मेरी फेवरेट, और बच्चों की मेरी फेवरेट मिर्च, और बच्चे जिससे डरते हैं। नेहा इतना तीखा खाती है तो वो बस इसके जो अबू हैं, दिखा रही इसके जो अबू हैं वो बड़ा पसंद करते हैं इसका जो खाना है, क्योंकि उन्हें जो है ना तीखा बहुत पसंद है। अबू और मैं एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे ही हैं, वो वाह 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 करते रहते हैं इसकी चीजों पे। और मैं बनाती रहती हूँ और नेहा खुश होती रहती है। अबू तारीफ ही ऐसे करते हैं, दिल खुश हो जाता है। फिर ना मैं सोचती हूँ अब नई डिश कब बनाऊं। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाती है, जो भी चीज़ इसने बनाई है हमें खिलाई है माशाल्लाह बहुत अच्छा, इसके हाथ में बहुत मज़ा है और बड़ी मज़े की चीज़ें बनाती है। तीखा भी होता है तो वो मज़े का लग रहा होता है।
बस थोड़ा सा छोटी बेटी जो है उसे थोड़ा सा तीखा लगता है, वो जरा कम खाती है, बच्ची है करके। लेकिन फिर भी उमैमा इतना चलाक है ना, तारीफ करना नहीं छोड़ती। तारीफ तो बड़ी मजे की है, बहुत आला भाभी, बहुत आला, बहुत मजे का बनाया है। बड़ी अच्छी तारीफ कर, वो अपने अब्बू पे गई है, अब्बू पे गई है सच्ची तारीफ के मामले में। बेशक उसे मिर्ची लग रही है, नहीं खा पा रही है, लेकिन फिर भी उसने तारीफ करनी है। मगर चीज़ें वाकई इतनी मज़े की होती हैं कि तारीफ खुद ही जो है ना वो मुंह से निकल गई है। जितनी भी चीज़ें इसने बनाई हैं बहुत ही अच्छी बनाई हैं। ये देखें जी, शानदार दही फुल्की हमारी तैयार हो गई है। इसमें क्या दही है, और मम्मा ने ये दही आलू भल्ले के लिए बैटर बना के रखा है, बस टाइम होते ही फिर हम कर देंगे। तब तक कल भी हमारा दूध ऐसे गिर गया था, बस मैं टर्न हुई हूँ हाथ धोने के लिए। हाथ ही दूध। अच्छा पता नहीं क्या मसला है दूध के साथ, ऐसे ही होता है। जिसके साथ भी मैं सुनूं यही कहती हैं कि जी खड़े रहो खड़े। क्या हो गया? अब बुरा हो गया शायद ना। अक्सर दरवाजे खोलो। और अब हमारा क्या रह गया, बस हमारा फ्राई की सारी चीजें रह गई हैं, बस फ्राई, बाकी तो सारा काम हो गया है। आज खाने में कीमा है ना? हाँ, आटा गूंद रही हूँ रात के लिए, बाद में तो बच्चे खाना खाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, क्या बन रहा है आज? आपने डाई कर ली? आज डाई की भी, आज ठीक है, आज बनाऊंगे भी वीडियो की भी ना। आज आपके अब्बू जो है ना वो जवान हो गए हैं। हाँ। अच्छा जी, क्या आज क्या बन रहा है जी? आज जी नेहा ने अपनी स्पेशल जो ना अपने तरीके से दही फुल्की बनाई है। अच्छा, इंडियन? इंडियन, जबरदस्त। ये इस पे तड़का लगता है और ये बस इसमें ना इंडियन डिश आज अब खाएंगे। इंडियन, हाँ ये बनाई है, साथ में चिप्स बन रही है, ठीक हो गया, और थोड़ा बन रहा है। आप बैठे बस, तफ्तारी का की तैयारी हो रही है। आज का दिन कैसा गुजरा आपका? रोजा कैसा था? रोजा तो नहीं लगा? नहीं, रोजा नहीं लगा, ठीक है माशाल्लाह, मौसम ठंडा है, अच्छा मौसम है। उसके बाद वो क्या कहते हैं उसको, जब सहरी जब आप लोग जैसे हम लोग खा रहे हैं दही जलेबी भी खाते हैं। और वो नमकीन में जो मतलब जैसे हम पराठा खा रहे हैं उसके साथ दही के साथ ये तो पूरी भी, अब पूरी भी खा लेते हैं ना, सारी सब्जी। अच्छा, पूरी सब्जी मेरी बहन ने फोटो नहीं भेजी, सब्जी छोले की और पूरी बनाई। अच्छा अच्छा, हम यहाँ सबर भी कर सकते हैं कि हम सहरी के टाइम।
हमारे यहाँ का। अच्छा पराठा और पूरी एक ही चीज़ है, वो भी खा सकते हैं। फुल ऑयल के अंदर है उसको डिप करके बनाया जाता है ये। आप लोगों को हमारा चैनल कैसा लग रहा है और हमारी फैमिली कैसी लग रही है, हमारी इंडियन बहू और पाकिस्तानी ससुराल। अच्छा मुझे यहाँ के वैसे बहुत वाकई बहुत अच्छा लगा, बस ये थोड़े से बैनर है दुकानों के, उसमें उर्दू है और इंग्लिश है, हिंदी नहीं है। अच्छा वहाँ सब जो बोर्ड है वो ज्यादातर हिंदी में लिखे होते हैं, हिंदी और इंग्लिश ज्यादातर लिखे हैं। देखिए तुम्हें हमारा मतलब ज्यादा वो बाहर से इतना डिफरेंट नहीं लगा, बस थोड़ी सी बोल चाल है, पंजाबी ज्यादा है। हाँ। यही है। बस वो ज्यादा मुल्कों का थोड़ा सा माहौल फर्क होता है, खाने पीने का फर्क है। यहाँ तो चिकन और मटन की वगैरह बात नहीं होती, हमारे यहाँ महीने हो जाते हैं। अच्छा इंडिया में कई सारी फैमिली ऐसी है मुस्लिम जहाँ रोज बनता है, सुबह होना चाहिए शाम होना चाहिए, लेकिन हमारी फैमिली में जरा कम ही खाते हैं। आपके जो इर्द गिर्द है वो ज्यादातर लोग रहते होंगे ना हिंदू वगैरह, अब मुस्लिम कम्युनिटी जिनके ज्यादातर रहती है ना वो तो गोश्त वगैरह खाते हैं और गाय वगैरह भी वहाँ अच्छा अच्छा भाई गाँव में आता है ना उसकी गाँव में आता है दो मुसलमानों को मुस्लिम कहते हैं, फिर उसके सामने दो उनका एक मजहब ही है वो तो उनको फिर उनका एहतराम करना चाहिए, जारी बात है एक बंदा एक मजहब का एहतराम तो हमारा इस्लाम ही बताता है। बाकी जो लोग जबरदस्ती फसाद के लिए मसलन एक ऐसे हिंदुओं को जलाने के लिए गांव गाय को दिबा करके ये भी एक अच्छी अच्छी बात नहीं, क्योंकि इस्लाम हमारा जो है ना ये हमारा दीन ऐसा नहीं है कि एक जानबूझ के ज़बरदस्ती उनके सामने उनकी, क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है ना कि आप जो ये जो काफर हैं या गैर मुस्लिम हैं उनके आप खुदाओं को बुरा ना कहो, ठीक है क्यों, इसकी वजह यह है कि वो आपके खुदा को बुरा ना कहो, ठीक है यानी अब वो उसको अगर मानते हैं पूछते हैं तो उसको आप ज़िबा करोगे उनके सामने या उनके साथ तो वो उनको तो तकलीफ़ होगी, वो लड़ेंगे ठीक है मारेंगे गुस्सा होंगे, तो इसलिए फसाद फिल फर्स फिल अर्थ जो है ना वो अल्लाह ताला ने मना किया है कि फसाद ही फैलाना, ठीक है तो उसके लिए आप अगर आपस में रह रहे हो आप अपनी अपने मजहब के दायरे में रहो, ठीक है आप उनकी जो चीज़ें हैं उनको उनके हवाले से उन्हें वो ना करो, ये जो होता है ना ज़हनी टॉर्चर, ठीक है या मजहबी टॉर्चर ज़हनी तौर पे या उनको अमली तौर पे, ताकि वो गाड़ी पाते फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता, ठीक है तो ये हमारे इस्लाम तो सबसे पहले यही बताता है कि दूसरे के मजहब का दूसरे के इंसान का एहतराम करना और पहले इंसानियत का एहतराम मजहब का एहतराम सारा, ठीक है तो ये ज़रूरी है, तो बाकी ठीक है सर वहाँ रहते हैं आप लोगों का एक सिस्टम है, ठीक है इसीलिए तो हम रह सकते हैं एक मुल्क में इतने सारे मजहब के लोगों के एहतराम करना होता है। अब ये लोग आपस में इनके नेबर्स हैं जो आपस में ये लोग बड़े अच्छे से रह रहे हैं, बहुत अच्छे से आना जाना एक दूसरे के घर, बाकी ऐसी कोई हर्ज नहीं है एक दूसरे के घर में खाने आने जाने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो उनकी मजहबी जो शिरक के मुताबिक होती है ना जैसे हाँ वो बचना चाहिए मुसलमानों को, ठीक है जैसे वो सजदे करते हैं बुतों की पूजा करते हैं ठीक है वो उनका मजहब है, आप अगर जाते हो उनसे मिलते हैं उनको देख लिया बस ठीक है, ठीक है वो अपनी मतलब जैसे आपकी वो इबादत नहीं करते नमाज नहीं पढ़ते आप ऐसे ही उनकी वो नहीं करते, ठीक है बाकी एहतराम ज़रूरी है एक दूसरे का, तो ज़ाहिर है जब रहना होता है इन जगह पे तो ये इस टाइम तो हम साथ साथ शान रमज़ान देख रहे होते हैं, ये बड़ा मज़े का प्रोग्राम है, इसमें बच्चे बड़ा क्यूट क्यूट बातें कर रहे होते हैं इस टाइम और बड़ा अच्छा टाइम गुजर जाता है।
वहाँ नहीं आता इंडिया में ये वाला सब, एक आता था फ्यूज टीवी वो भी हट गया पूरा। चलो मैं तो थोड़ा किचन में देखूँ क्या हो रहा है, फिर टाइम होने वाला है शादी का। आ जाओ आई बदतमीज। हो गया मम्मा इसको जा तो खाओ, उसने रोजा नहीं खोलना इसको, आप अटक रही हो बचाओ। फिर सो गई है मेरा ना मैमा उठो चलो, रोजा है ना आपका, जल्दी उठो शाबाश। देखो फिर वीडियो बना रही हूँ मैं, सोती हुई आ रही हूँ। अच्छा फिर जल्दी उठो ओ मैमा, तो सारे सारे बोलेंगे मैमा सोती रहती है, रोजा रख के भी सोती रहती है। अभी उठो अभी, आप ही कितनी बार आ चुकी है, उठ जाओ चलो, मैंने ऐसे जाना नहीं, उठा के ही जाना है मैंने, उठ जाओ चलो जल्दी, गंदी बच्ची हो रही हो फिर। उमैमा मम्मा को बुला के लाऊंगी फिर मैं, अभी मैंने उठना, एक मिनट रह गया, एक मिनट। दिखा रही किस सदमे में बैठे हुए हो है? पोस्ट पेड है, ये पोस्ट पेड है, फिर इनकमिंग तुमने लेने हैं हैं? मैं ना भी और मैंने तो तीन इनकमिंग नहीं होती भाई, मैंने सब हौसला रख लो, आपको दूं डाल के अभी खाना तो शुरू। कैसे लगे? जबरदस्त मजे के, माशाल्लाह। हेलो, ये वाले नहीं बनते यहाँ, नहीं ये फर्स्ट टाइम खाए मैंने, इतना पतला नहीं है। हाँ तो ये पतला ही, ये पतला ही बनता है, अब उसके मुताबिक बनाया ना, ये वाकई बस यही है इसका। हाँ बस और कुछ नहीं, यही होता है, ये खाना। अच्छा मैं कर देनी है, चल दही भी लो ना थोड़ा सा इधर पीछे। चलो सुफियान के चेहरे पे हंसी तो आई। मेरे हस्बैंड जरा कम बोलते हैं, अब्बू कसर पूरी कर देते हैं। लेकिन बहुत तो टेस्ट इसका चेंज है, इंडिया की है तो चेंज ही होगा, जाहिर सी बात है। मुझे लग रहा है गले में, गले में लग रहा है, चेंज तो थोड़ा सा होता है मसलन। पकौड़ियाँ ठीक है, दही लग रहा है मेरे, लो ये मसाले वाला है ना इसलिए लग रहा है। ये बंदा तरो कहता है, बंदा कुछ खाई होती भाई, तो खाए मुझे तो बंदा टेस्ट नहीं खाता। जी तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा आज का व्लॉग मेरी बेटी के साथ, नेहा के साथ, कैसा आपको लग रहा है? ये माशाल्लाह हमारे घर में एक बड़ा न्यू एडिशन है और बड़ी घर की हमारी रौनक है माशाल्लाह से, बड़ा मज़ा आता है सारा दिन इसके साथ। तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में भी कि आपको हमारी फैमिली, हमारा व्लॉग कैसा लग रहा है। तो इंशाल्लाह आज के लिए हम इतना ही यहीं पे ख़त्म करेंगे और आपसे फिर दोबारा सहरी में मिलेंगे। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि हम सास बहू जो हैं हमारी आपको आपस में बातचीत कैसी लगती है। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।